ये देखिए दोस्तों, बेड शीट आपकी जो है प्रिंट होकर के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बेड के ऊपर आपकी कितनी बढ़िया बेड शीट ये प्रिंट हुई है। ये देखिए फोटोज़ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फोटो आपकी आई हुई है। ये देखिए ये दिख रहा है, ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट बेड शीट जो है आपकी बन करके तैयार हो चुकी है। इस तरीके से प्रिंट होगी आपके बेड शीट। साइज़ तो मैंने आपको दिखाई दिया है, पहले ही साइज आप देख चुके हैं। ये देखिए ये बेड शीट फोटो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रिंट है यहाँ पर। आप हार्ड शेप में जो है वर्टिकल में भी आप देख सकते हैं कितने बड़े में ये प्रिंट होगा आपका। तो मतलब आप 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं अपने से। अब इसको 4 दिन 6 दिन के लिए आपको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जाएगा तो 1 हफ्ते लगेगा प्रिंट होकर के आने में, इस तरीके की दिक्कत नहीं है अब आपको। अब आप जो है इसको कभी भी अर्जेंट में लेकर के आप इसको प्रिंट करके शादी विवाह के लिए लोगों को जल्दी से बना करके प्रिंट करके अपने से दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बेड शीट है जिसके ऊपर हम लोग फ़ोटो प्रिंट करने वाले हैं। फ़ोटो कैसे प्रिंट होगा इस पे आप अपने से इसके ऊपर फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बेड शीट है मेरे पास कुछ कलर्स और डिज़ाइन में। ये देखिए 2 कलर मेरे पास इसमें बेड शीट उपलब्ध है। ये देखिए हार्ड शेप में और वर्टिकल शेप में, दोनों शेप में यहाँ पर इस पर फ़ोटो आपकी लग जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करके आपको दिखाते हैं पूरा बेड के ऊपर। इसको हम लोग आप तो पूरा फैला करके बेड शीट दिखाते हैं कितनी बेड शीट पे मतलब इस पे कितनी फ़ोटो आपकी लग जाएगी। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, तो आप लोग देखते रहिए। देखिए ये 2 कलर में इसके अंदर दो। दोस्तों यहां पर जो है बेड शीट आप देख सकते हैं, बेड शीट के ऊपर आप अपने से फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके साथ 2 पिलो है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस पिलो में भी आप 5-in-1 सब्लिमेशन मशीन के द्वारा आप अपने से इस पे फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं अपनी जो भी फ़ोटो चाहिए। आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से अपने हाथों से इस पे फ़ोटो आप प्रिंट कर सकते हैं। किसी की भी फ़ोटो आप इस पे लगा सकते हैं। ये देखिए बेड शीट आपके सामने है 2 पिलो के साथ, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए इस पे लिखा भी हुआ है, जैसे आपको किसको आपको देना है उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक डिज़ाइन ये है आपके पास। ये आपको बेडशीट पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद जो है हम आपको दूसरी बेडशीट भी दिखाने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे बेडशीट और डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए कितना बढ़िया है, ये फुल डिज़ाइन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉर्डर इसका देख सकते हैं किनारे वेलवेट में कपड़े में है। ये बहुत बढ़िया ये बेड शीट है। ये देखिए इतना बाहर भी लटक रहा है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं इधर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इधर भी दिख रहा है ये लटक रहा है चारों तरफ जो है।
बढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि छोटा होगा, ये इस तरीके से बेडशीट आपको मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, इस बेडशीट के अंदर आप लोग चार वर्टिकल फ़ोटो लगा सकते हैं और दो इसमें हार्ट शेप में आपको लगाने होंगे। ये दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये वर्टिकल में बना हुआ है। ये देखिए ये वर्टिकल में है और बगल में हार्ट शेप में भी आपको दिखाई पड़ रहा है इस बेडशीट पे। ये देखिए यहाँ पर अलग से कोटेशन भी आपको अलग दिखाई पड़ रही होगी। इस बेडशीट में अलग कोटेशन है और दूसरी बेडशीट में इसमें अलग कोटेशन है। तो जो कोटेशन वाली बेडशीट आपको चाहिए उसको आप ले सकते हैं और लेकर के अपने से सब्लिमेशन प्रिंटिंग अपने मशीन में 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर अपने से इसको प्रिंट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। और साइज़ की बात करें तो यहाँ इस बेडशीट को भी आप देख सकते हैं, फुल साइज़ में बेडशीट है आपकी। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये नीचे जो है आप देख सकते हैं बेड के कितने नीचे तक जो है डबल बेडशीट है। ये देखिए दोस्तों दूसरी बेडशीट जिसके ऊपर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिलो आपको दिख रहा होगा, कितना बढ़िया पिलो है ये आप देख पा रहे होंगे। इस पिलो के ऊपर भी आप अपने हाथ से इस पर सब्लिमेशन प्रिंटिंग करके आप इसको सेल कर सकते हैं। ये देखिए दो पिलो मिलेगा और एक इसका ये शेप है। ये देखिए इस कलर में आपको मिलेगा, रेड कलर में वेलवेट कपड़े पे बढ़िया से, कितना बढ़िया बेडशीट है आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस पर आप चार फोटो प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें केवल हार्ड शेप में है, जो कि मैं पिछली वाली बेडशीट जो मैंने आपको दिखाया है उस पर देखिए आप वर्टिकल में भी लगा सकते हैं और हार्ड शेप में भी लगा सकते हैं। इसमें जो है आप केवल हार्ड शेप का फोटो यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया यहाँ पर किस साइज़ में फ़ोटो बनेगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ से हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं तो। तो इसके बारे में प्रिंटिंग प्रोसेस में आपको एक एक प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये प्रिंट होगा, उसके बारे में टाइम टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। ये देखिए कितना बढ़िया इस पर लिखा भी हुआ, अलग अलग इसमें जो है कोटेशन लिखी हुई है। आप लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये पिलो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पिलो आपको दिख पा रहा है, ये देखिए इस पर एक फ़ोटो फुल साइज में आपका जो है पिलो है यहाँ पर, ये वेलवेट। देखिए दोस्तों हम लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं, कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर हम लोग डिजाइन करने वाले हैं जो कि बेडशीट के ऊपर प्रिंट होगा और बेडशीट के साथ जो पिलो मिलेगा उसके ऊपर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन आप देख पा रहे होंगे हम आपको हार्ड शेप और वर्टिकल दोनों में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना होगा। ये देखिए ये मैंने कुछ जो है शेप यहाँ पर जो फोटो मुझे लगानी है मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ये देखिए जो फ़ोटो मुझे कुछ फ़ोटोज़ आपको वर्टिकल में लगानी है, कुछ ऐसे खड़े में लगानी है, कुछ बेड़े में आपको लगानी होगी। तो उसके लिए जो है आपको साइज़ को पहले नाप लेना है, बेडशीट के ऊपर जा करके आप उसको साइज़ को नाप लेंगे कि किस साइज़ में। मैंने इसको चेक किया है तो कुछ हमको लगा कि ये 5.5x8 का है इंच में, तो मैंने इसको जो है उस साइज़ में इसको क्राफ कर लिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने क्राफ करके रखा हुआ है और ये वर्टिकल तो हो गया, हार्ड शेप में जो है मैंने इसको भी ये देखिए डिजाइन करके रखा हुआ है जो कि हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देखिए हार्ड शेप में और वर्टिकल में जो जो फ़ोटो आपको लगानी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, साइज़ में क्राफ कर लेंगे, जो कि साइज़ में आपको बता रहा हूँ कि ये साइज रहेगा 8।
देखिए सबलिमेशन पेपर पे सबलिमेशन इंक की सहायता से प्रिंटर से आपका प्रिंट जो है निकल चुका है, निकल रहा है कुछ प्रिंट। प्रिंट सारे निकलने के बाद हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको डिजाइन करने के लिए हम लोग पहले इसको स्केल की सहायता से नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्केल जो है यहाँ पर दिखा रहा है 8 इंची, और ये देखिए इसकी चौड़ाई जो दिखा रहा है वो करीब 5.5 इंची है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अब डाउन इसमें देख करके तब करना है, ये हो जाएगा। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और ये देखिए एक हार्ड शेप में, हार्ड शेप के लिए आपको इसको स्कैन कर लेना है आसानी से, और स्कैन करने के बाद आप लोग इस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपको पहले इसका डिज़ाइन निकाल लेते हैं सारा प्रिंट आउट, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए दोस्तों प्रिंट आउट सारा जो है कट कर लिया है मैंने। अब चलिए इसको हम लोग 5-in-1 मशीन के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हम लोग इसको प्रिंटिंग करेंगे। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रिंट होगा, टाइम टेम्परेचर क्या होगा, उसके लिए हम लोग जानते हैं और देखते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस। ये देखिए 80 सेकंड पर रखा, तो मिनिमम टेम्परेचर आपका जो होगा 350 और मैक्सिमम टेम्परेचर 350, टाइम जो है वो 80 सेकंड रहेगा। इस पे हम लोग जो है इसको प्रिंट करेंगे। तो चलिए मशीन हीट हो रही है, मशीन हीट हो जाए फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे एक पेपर रखेंगे ताकि जो है ये बराबर सेट हो पाए। तो पेपर यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर, अगर आपके पास टेफ्लॉन सीट डबल में है तो आप लोग इस पे रख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसके ऊपर हम लोग पेपर रखेंगे, पेपर का इस्तेमाल करेंगे, प्लेन पेपर A4 साइज का। ये देखिए दोस्तों पहले जो है हम लोग इसको यहाँ पर रख करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे मशीन से, ताकि जो मुड़ा है यहाँ पर बेडशीट थोड़ी सी मुड़ी अगर चुमड़ी होगी तो यहाँ पर ये सीधा हो जाएगी, तब हम लोगों को पेपर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए प्रेशर कम है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ी देर के लिए प्रेस कर देंगे इसको, उसके बाद इसको देखेंगे सीधा हो गया है। ये देखिए ये प्लेन हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग इसको जो प्रिंट करने वाले हैं उसको यहाँ पर बढ़िया सबलिमेशन टेप की सहायता से हम लोग यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए जो मेरा प्रिंट आउट है, ये देखिए इस तरीके से हम लोग सबलिमेशन टेप की सहायता से इसको जो है लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ताकि जो है आपका प्रिंट आउट, मशीन भी देखिए हीट हो चुकी है, बीप की आवाज़ कर चुकी है मशीन। हम लोग इसको सबलिमेशन टेप बढ़िया से लगाने के बाद इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए तब कि आपका प्रिंट आउट इधर उधर हिले ना। उसके बाद हम लोग टेफ्लॉन सीट को रखेंगे इस तरीके से, टेफ्लॉन सीट को रखेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट वाली बटन हम लोग प्रेस कर देंगे। ये देखिए टाइमिंग शुरू हो चुका है, ये देखिए टाइम, देखिए दोस्तों इसका टाइम पूरा हो चुका है, ये मशीन भी बीप की आवाज़ कर चुकी है। अब हम लोग इसको निकालेंगे और देखेंगे कि प्रिंट कैसे आया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले इसको जो है मशीन को ऑफ कर देते हैं इस तरीके से, और इसको प्रेशर को उठाएंगे और देखेंगे इसमें जो है
ये देखिए टेफ्लॉन सीट को हटाएंगे और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट हुआ है इस पर, ये देखिए। चलिए हम सारा प्रिंट करने के बाद हम आप लोगों को एक एक करके दिखाएंगे, पहले हम लोग इसको फटाफट प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी जो है पिलो हम लोग इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे, वही सेम प्रोसेस है इसका भी। इस तरीके से इसको जो है लॉक कर देंगे बढ़िया से, ताकि आपका जो है हिले ना आपका प्रिंट आउट। ये देखिए मशीन हीट हो चुकी है, तैयार है प्रिंटिंग के लिए। हम लोग टेफ्लॉन सीट लगाएंगे, उसके बाद इसको हम प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए टाइमिंग शुरू हो गया है इसका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कुछ ही टाइम बचा हुआ है, कुछ ही सेकंड, जैसे ही टाइम पूरा होगा मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग अगला जो है बेड शीट को इसमें प्रिंट करने वाले हैं। फिर क्योंकि ये दूसरा पिलो है जिसमें हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर चुके हैं, मशीन को हम लोग ऑफ़ कर देंगे और इसको निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बेड शीट को प्रिंट करने वाले हैं। ये पिलो हमारा, दोनों पिलो प्रिंट हो चुका है, अब हम लोग बेड शीट को जो है प्रिंट करने वाले हैं। ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। चलिए अभी हम आपको इसको बाद में दिखाते हैं, पहले हम लोग आपको दिखाएंगे कि बेड शीट पे आप कैसे प्रिंट। ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने इसको जो है, ये बेड शीट है, इसको हम लोग पूरा जो है खोल लिए हैं, और आपको देखना है कि ये जो लिखा हुआ है आपको सीधा करना है। ये देखिए बेड शीट के ऊपर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, तो पहले जो प्रिंट करने हैं वो इसको हम लोग अटैचमेंट जो है इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे प्रिंट आउट अपना। ये देखिए इसको सब्लिमेशन टेप की सहायता से मशीन को ऑन कर दें, ताकि हीट भी होती रहे मशीन। टाइम हम लोगों ने टेम्परेचर सेट ही कर दिया है। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं, कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये देखिए हम लोग इसको जो है इस तरीके से लॉक कर देंगे, इसको सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको बढ़िया से लॉक कर देंगे, ताकि आप ये आपका हिले ना प्रिंट आउट। और उसके बाद हम लोग टेफ्लॉन सीट को इसको करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्रेशर को, नीचे होकर इस तरीके से। देखिए मशीन तैयार है, अब हम लोग इसको जो है प्रेस कर देंगे। टाइमिंग शुरू हो चुका है इसका, टाइम पूरा हो जाए फिर हम लोग इसको निकालेंगे और देखेंगे। ये आप देख सकते हैं बेडशीट पूरी यहाँ पर इस तरीके से नीचे, और जो है इसको हम लोग एक एक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए प्रिंट आउट निकल चुका है। मशीन को पहले हम लोग ऑफ कर देंगे इस तरीके से, और इसको उठाएंगे, देखेंगे पहला प्रिंट जो है बेड शीट के ऊपर कैसा हुआ है। देखिए टेफ्लॉन सीट को हटा के रखेंगे हम लोग, उसके बाद इसको निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है, सब्लिमेशन टेप और सब्लिमेशन पेपर पे जो है इसको कितना बढ़िया प्रिंट आया हो। इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सारे प्रिंट करने वाले हैं, तो चलिए पहले इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए हार्ड शेप वाला आ रहा है, अब हम लोग इसको करेंगे। देख पा रहे हैं आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो। मेरे पास कम स्पेस है, इसलिए मैं जो है इसको आप लोगों को इस तरीके से दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए एक एक करके जो है आप लोगों को इसको प्रिंट करना है। देखिए बराबर में इसको रख देना है, इसके बाद हम लोग हार्ड शेप वाला प्रिंट करेंगे।
ये देखिए, इसके बाद हार्ड शेप वाला प्रिंट आउट जो है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पर बढ़िया से सेट कर लेंगे। मशीन को ऑन कर देंगे ताकि जो है मशीन हीट होती रहे। ये देखिए, सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको जो है लॉक कर देंगे। वीडियो हम इसको कट नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है बराबर देख पाएँ कि इसमें किस तरीके से प्रिंटिंग होती है, इसलिए वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप लोग अगर पूरा देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे, तभी आपको आइडिया मिल पाएगा कि ये कैसे प्रिंट होता है पूरा। अगर आप वीडियो कट करके या बढ़ा करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें और इसको सीख लें किस तरीके से ये प्रिंट होगा। ये देखिए, ये हो चुका है। टेफ्लॉन शीट को रखेंगे हम लोग, उसके बाद मशीन भी तैयार है, इसको हम लोग बराबर में सेट कर लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे हम लोग, वही सेम करने के बाद हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरीके से लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे हम लोग। टेम्परेचर आपको समझ में आ ही, सीट के ऊपर पिलो के ऊपर भी जो इसके साथ अटैचमेंट दो पिलो मिलता है उसके में, उसमें भी इसी तरीके का पिलो इसी टाइम टेम्परेचर पे आपको प्रिंट करना होगा, जो कि आप लोगों ने अभी लाइव देखा कि उस पर मैंने कैसे प्रिंट किया है, उसी तरीके से सेम टाइम टेम्परेचर पे आपको यहाँ पर करना है। तो ये देखिए, टाइम इसका पूरा होने वाला है और इसके बाद अगला फोटोज़ हम लोग प्रिंट करेंगे बेड शीट के ऊपर। तो दोस्तों, इस तरीके का वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चुका है, मशीन को हम लोग ऑफ़ कर देंगे इस तरीके से, उसके बाद प्रेशर को उठाएंगे और देखेंगे अगला वाला प्रिंट करेंगे हम लोग। ये देखिए, टेफ्लॉन शीट को हटाएंगे हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, चलिए अब हम लोग अगला प्रिंट करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, एक ये पिक है जो खड़े में है, इसको हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं, फिर साइड में चलेंगे हम लोग, बराबर से हम लोग इसको सेट कर लेंगे प्रॉपर। इसको आपको जो है स्पेस देख करके इसको करना है, मशीन आपको जो है बढ़िया स्पेस पर रख करके तब करना है इसको। ये देखिए, प्रिंट आउट मेरा निकला हुआ है, हम लोग इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके से। प्रिंट आउट आपका सारा मिरर ही निकलेगा, मिरर निकलेगा तभी आपका ये प्रिंट सही आ रहा है, अभी तो आप देख पा रहे होंगे, इसलिए आप लोगों को मिरर ही प्रिंट निकालना है। इसको सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको बढ़िया से लॉक कर देंगे इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। मशीन को जो है, मशीन मेरी हीट है इसलिए जो है हम लोग टेफ्लॉन शीट को लगाएंगे इसके ऊपर। टेफ्लॉन शीट को रख देने के बाद ये देखिए, मशीन को आगे करेंगे। ये देखिए, मशीन हीट हो चुकी है और हम लोग इस प्रेशर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, क्योंकि हर बार प्रेशर उठाना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि कई प्रिंट हैं इसमें आप लोगों को। ये देखिए, हम लोग मशीन को प्रेस कर देंगे। ये देखिए, मशीन का टाइम शुरू हो चुका है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके एक एक फ़ोटोज़ को हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोटो कितना बढ़िया प्रिंट हुआ है, ये देखिए, उसके बगल में ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। तो पूरा प्रिंट होने के बाद भी हम आप लोगों को बेड शीट जो है बिछा करके, मतलब फैला करके आपको बेड शीट और पिलो दिखाने वाले हैं, तो लास्ट में आपको इसको दिखाऊंगा ज़रूर, चूँकि अभी पूरा प्रिंट कर लूँ उसके बाद में आप लोग। ये देखिए दोस्तों, टाइम इसका होने वाला है, जैसे ही टाइम पूरा होता है हम लोग इसको निकालेंगे, लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए, लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे हम लोग और इसको मशीन को ऊपर करेंगे,
इस तरीके से, और इसको टकरान सीट को हटाएंगे हम लोग, ये देखिए, और इसको हटाएंगे, ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सब्लिमेशन इंक और सब्लिमेशन पेपर अगर आपका बढ़िया होगा तो बढ़िया प्रिंट आएगा, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अगर आप लोगों को बढ़िया प्रिंट लेना है तो सब्लिमेशन और पेपर की क्वालिटी आपको बढ़िया रखनी पड़ेगी। ये देखिए, चलिए अगला फोटो, अभी दो पीस बचे हुए हैं, हम लोग इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हार्ड शेप में बचा हुआ है, हम लोग पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्रिंट आउट मेरा निकला हुआ है, ये देखिए सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से प्रिंट आउट निकला हुआ है। हम लोग इसको प्रॉपर सेट कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग हर बार देख पा रहे होंगे कैसे करना है। मैं वीडियो इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बेडशीट पे कैसे फ़ोटो प्रिंट होगा, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बिना कट किए हुए आप लोगों को वीडियो पूरा दिखा रहा हूँ। टाइम इसमें ज़रूर लग रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग सीख जाएंगे आप ही लोगों का फ़ायदा है इसमें। ये देखिए टेफ्लॉन सीट को रखेंगे हम लोग, मशीन आवाज़ कर दी है, हम लोग इसको सेट कर लेते हैं और इसको नीचे करेंगे। ज़्यादा है हम लोग इस तरीके से लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे। हम लोग एक फ़ोटो बचा हुआ है दोस्तों, इसके बाद हम लोग लास्ट फ़ोटो प्रिंट करने वाले हैं बेडशीट के ऊपर। उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरी बेडशीट, एक बार आपको दिखाएंगे, पिलो दिखाएंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये दोनों पिलो है। ये देखिए पिलो के ऊपर आप लोग फ़ोटो प्रिंट कर चुके हैं, जो कि अभी आप लोगों ने लाइव देखा है। इसके बाद बेडशीट कम्प्लीट हो जाए तो बेडशीट के ऊपर भी हम लोग आपको दिखाएँगे किस तरीके से प्रिंट हुआ है, पूरा फैला करके बेडशीट को दिखाएंगे। ये पिलो आप देख पा रहे होंगे, दोनों पिलो के फ़ोटो प्रिंट हो चुका है इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है बेडशीट के ऊपर। तो आप इसको, शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, आप लोग इसको बढ़िया से सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं इसको जो है कस्टमर को। तो ये देखिए इसका भी टाइमिंग पूरा होने वाला है दोस्तों, टाइम पूरा हो जाए उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे और देखेंगे लास्ट वाला फ़ोटो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट पिक बचा हुआ है मेरे पास, उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि ये किस तरीके से लगता है, कैसे दिखेगा आपका फ़ोटो ये प्रिंट होने के बाद। कुछ ही टाइम बचा हुआ है, ये देखिए टाइम और टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर, जो कि कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं और इसको हम लोग निकालने वाले हैं और लास्ट वाली फ़ोटो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं बेडशीट के ऊपर अपने हाथों से। अब आपको 4 दिन 6 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने घर में बेडशीट को प्रिंट कर सकते हैं। आप लोग लाइव देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारे कलर और डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन मेरे पास हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वहाँ पर, हमको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। आप लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़्यादा ना करें, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो आप लोग जो है फ़ोन करने की कोशिश ना करें, आप लोग मैसेज करें व्हाट्सअप पर, मैसेज करने के माध्यम से आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। ये देखिए प्रिंट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है ये। तो चलिए लास्ट पिक बची हुई है हम लोग, उसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पर हम लोग लास्ट वाली पिक प्रिंट करने वाले हैं, बराबर में इसको सेट कर लेंगे हम लोग। ये देखिए लास्ट पिक मैंने निकाल के रखी है, वही ये मिरर प्रिंटिंग है सेम, इसको सेट कर लेंगे बढ़िया से। सेट करने के बाद हम लोग इसको इस तरीके से सब्लिमेशन टेप की सहायता से बढ़िया से लॉक कर देंगे, ताकि आपका प्रिंट आउट इधर उधर हो। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर टेफ्लॉन सीट को रखते हैं इस तरीके से। टेफ्लॉन सीट को रखने के बाद हम लोग, मशीन हीट है चुकी ऑलरेडी, ये देखिए हम लोग मशीन को डाउन करेंगे और इस तरीके से प्रेशर जब कम है थोड़ा सा डाउन कर लेंगे इसको, इस तरीके से प्रेस कर देंगे और लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे हम लोग। टाइमिंग देखिए दोस्तों शुरू हो चुका है, टाइम जैसे ही पूरा होता है हम लोग इसको निकालेंगे और इस तरीके से हम लोगों की बेडशीट कंप्लीट हो जाती है, प्रिंट हो जाती है इसी फोटो के साथ। देखिए बेडशीट आप देख सकते हैं, ये आपका लाइव बेडशीट प्रिंटिंग प्रोसेस, किस तरीके से प्रिंटिंग आइडियाज़ आप लोग सीख रहे हैं। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए
आप लोग। ये देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, अब हम लोग इसको निकालते हैं, और निकालने के बाद हम लोग को ये जो है बेडशीट हम लोगों की तैयार कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, चलिए मशीन को हम लोग ऑफ कर देते हैं, चूँकि सारे प्रिंट हमारे हो चुके हैं बेडशीट के ऊपर, और हम लोग देखते हैं बेडशीट किस तरीके से प्रिंट हुआ है। टोटल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इसको मैंने इधर किया, टेफ्लॉन सीट को हमने हटा दिया, और ये प्रिंट आउट देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये प्रिंट देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एकदम HD क्वालिटी में प्रिंट आउट आपका आया हुआ है। देखिए, देख पा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ। तो पेपर की क्वालिटी और दोस्तों इंक की क्वालिटी अगर आपकी सही रहेगी तो प्रिंट आपका बढ़िया आएगा। ये देखिए, मैं सारे पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये बेडशीट सारी पिक आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया क्वालिटी में पिक्चर आपकी आई है। ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया जो है ये प्रिंट हो पाया है दोस्तों। ये देखिए, सारे पिक्चर जो है आपके यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। ये बेडशीट आपकी इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसको सेट करके बेडशीट के ऊपर, मतलब बेड के ऊपर मैं आपको इसको फैला करके दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के वीडियोस दोस्तों, अगर इस तरीके से आइडियाज़ आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आलोक सब्लिमेशन टेक को देखते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।